उत्तराखंड के वीनाधार गांव में सुबह का वक्त है। अभी रात का अंधेरा भी ठीक से नहीं छटा है, लेकिन लता देवी अपने काम में लग चुकी हैं। गाय का दूध दुहने के साथ इनका दिन शुरू हुआ है। घर का बाकी काम निपटाने के बाद अब खेत में मटर की निराई गुड़ाई की बारी आती है। पौड़ी गढ़वाल जिले की लता की दिनचर्या राज्य की सैकड़ों महिलाओं से मेल खाती है। हालांकि उनके गांव वीनाधार में बंजर जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाने की कोशिश इन महिलाओं को खास बनाती है। हम जब साथ में सारी महिलाएं काम करती है तो अच्छा लगता है, ज्यादा काम भी हो जाता है। हम लोगों की जो बंजर खेती है उसको भी आबाद हम लोग कर लेते हैं। जमीन को ठीक करके उपजाऊ बनाने की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। इलाके के किसान अभिषेक रावत ने लोगों को बंजर जमीन को दोबारा खेती लायक बनाने के लिए प्रेरित किया। करीब 18 बीघे में गांव की 13 महिलाओं ने मिलकर खेती की है। इस चीज की शुरुआत हमने की 3 साल पहले। 3 साल पहले 12th पास करने के बाद मैंने अपने गाँव में एक छोटे से 5 नाली जमीन से ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत की। महिलाओं को, जब सभी गांव की महिलाओं ने इसमें मेरा सपोर्ट किया, तो हमने महिलाओं की एक छोटी सी बैठक रखी जिसमें मैंने उन्हें ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बताया, किस प्रकार से हम अपने गांव में हो रहे पलायन और बंजर हो रहे खेतों को आबाद कर सकते हैं और रोक सकते हैं बंजर होती हुई धरती को, इसके बारे में महिलाओं को समझाया। तो हमने फिर अपने गाँव में छोटे छोटे 5 समूह बनाए। कठिन मेहनत के बाद अब खेत वीरान नहीं रहे, लेकिन मौसम की चुनौतियां और बाजार का दूर होना किसानों को फायदे से दूर रख रहा है। गांव के पास कोई जैविक मंडी ना होने से किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिलता। पिछली बार हम लोगों ने मटर लगाई तो हम लोग यहीं गए थे बाजार में, तो 30 रुपए से ज्यादा हमें मिल नहीं पा रहे। अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे मार्केट में तो वहाँ हमें किराया इतना ज्यादा मिलता है कि हम लोग खाली गाड़ी का किराया किराया दे पाते हैं। दिन भर हम लोग वहाँ काम करते हैं, हम लोगों की दिहाड़ी भी नहीं निकल पा रही है। चैलेंजेस तो ऑर्गेनिक खेती में पहाड़ में तो बहुत ज्यादा चीजें हैं। मार्केट का सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके बाद जंगली जानवर हैं, उसके बाद अब तो ये चैलेंज भी हमें सब बारिश है। सबसे बड़ा चैलेंज जो हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा चैलेंज हमारा बारिश है। इस सर्दियों में ना के मुकाबले हमारी बारिश हुई है। उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 60% से अधिक जनता खेती पर निर्भर है। जैविक खेती को सरकार पलायन की समस्या का समाधान मान रही है। उत्तराखंड में लागू जैविक कानून के अंतर्गत पिछले 5 सालों में जैविक कृषि में लगातार बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में फिलहाल 2,15,000 हेक्टेयर में जैविक खेती हो रही है। खेती के जानकार मानते हैं कि उत्तराखंड की जलवायु सब्जियों की खेती के लिए अनुकूल है। हालांकि लता देवी जैसे तमाम किसान मौसम की मार और मंडियों की कमी की वजह से चुनौतियां झेल रहे हैं। कि हमारे आसपास ही कहीं नजदीक में हमें जैविक मार्केटिंग मिले तो अच्छी है, ताकि हमारा भी मुनाफा हो। हम लोग दिन भर काम करते रहते, फिर वही 30-40 किलो जाएगा मटर, तो क्या फायदा हम लोगों का। कम से कम जैविक खेती का पूरा पैसा तो मिलना ही चाहिए। Peace, peace, love, peace, and love.